अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हाई ड्राइव मशीन है, ठीक है। तो ये इसका ये हीट हो रही है, इसके अंदर हीटर चल रहा है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ऑन है, दोनों ऑन है, ठीक है। इसके अंदर हीटर तो चल रहा है, इसके अंदर जो फाइन होता है ना हवा देने के लिए, वो इसके अंदर नहीं चल रहा। आपको ये आज बनाना सिखाएंगे, किस तरह बना सकते हैं आप घर बैठे हुए, ठीक है। ये देखें, इसको ओपन करते हैं, अभी नहीं चल रही। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने ये इसका निकाल लेना है, उसके बाद ये होता है इसको यूं करने से निकाल लेना है, ठीक है। और इससे पीछे दो ये स्क्रू लगे होते हैं, इनको ओपन करना है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या मसला होता है, आप इसको किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ओपन हो गया है, दूसरा ओपन कर रहा हूँ अभी, ये भी ओपन हो गया, ये देखें इसके अंदर यहाँ से लाखें होती हैं, ठीक है। आप टेस्टर वगैरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ओपन हो गई है, अब ठीक हो गया। तो ये देखें, इसका फाइन भी लगा हुआ है, ठीक है। ये टूटा पड़ा है इसके अंदर, इसको चेक करते हैं कि मसला क्या है, फाइन जल गया है या और मसला है, तार वगैरह टूट गई है क्या, इसको आगे और भी चेक करते हैं। ये देखें, ये ओपन हो चुकी है, जी इसके अंदर दो बोल्ट लगे होते हैं, ये ओपन करने हैं। ये देखें, ये वाला अंदर फाइन का मसला था, एयर नहीं आ रही थी इसकी। जी गाइस देखें, इसको ओपन हमने कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर ये हीटर लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी मदद से ये गर्म होती है। ये है हीटर इसका, ठीक हो गया, हीट सिंक है इसकी, और ये फाइन लगा हुआ है इसका जो चलता है। और इसके अंदर जो है ना, ये मोटर लगी हुई है, ये देखें, आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये इसके अंदर मोटर लगी हुई होती है, ये फाइन है, और ये इसका हीटर है, ठीक है। तारें हमारी तो ओके ही है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे लगे हुए हैं डायोड वगैरह, ठीक है। तो दो डायोड तो इसके अंदर कनेक्ट हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे दो डायोड कनेक्ट तो हैं, और ये दो डायोड है ना, ये कनेक्ट नहीं है। आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ये दो डायोड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी पूरी वीडियो वॉच करें, आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं इससे। जी तो ये देखें कि इसके अंदर ये हमने ओके करना है, सही हो गया। तो
सबसे पहले इसके अंदर लगा लेना है आपने। सोल्ड कर लेना है सबसे पहले आपने। जी अंदर से तो लगा दिया हमने इसका धागा वगैरह। जी देखें ये कंप्लीट हो गया है अब। ठीक है आपको मैंने चेक करवा देना है अभी। ये देखें अब इसके अंदर टाका भी हमने लगा दिया है। ठीक है सोल्ड कर दिया उसको। इसको क्या है यार इसके अंदर जी। ये इसके अंदर होता है इसको यूं डाल देना है। ओके ठीक है उसके अंदर ये फिर ये डाल देना है। क्या काम करे जी आराम से। जी इसके बोर्ड लगा देने हैं इसके अंदर आराम से इजीली फिट कर सकते हैं आप। ये देखें
मेंट थी ये बोल्ट जो है ना बिल्कुल इसको आराम से फुल कस देना है। फुल कस देना है ये बोल्ट इसको फुल कस देना है यहाँ ही जरा सा आप हंसेंगे तो सर क्योंकि सराकी में भी बता देता हूँ कभी कभी भूल जाता हूँ उर्दू में भी बता देता हूँ इसको टैट कर देने हैं आपने ठीक हो गया चित्ता है काफी बहुत हंसेंगे यार ये कैसी उर्दू बोल रहा है अभी ठीक हो गया ये देखिए हमने इसको फुल टैट कर दिया है ठीक है बोल्ट को अभी आपको चेक करवाऊंगा कि आप किस तरह से इसको घर बैठे आसानी से बना सकते हैं किसी कारीगर के पास लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है पहले बटन दबा दें हाँ उत्ते उत्ते मैं नहीं है मैं चलाना ठंडी आवाज है ये घर चलिए खराब कर दिया इसने चल दी ना आई आज बैठा हुआ था चला पा सही है जी ये ओके हो गई है ठीक है अब इसके अंदर स्विच लगा रहे हैं हम ठीक है ये बोर्ड के अंदर ये देखें बोर्ड के अंदर एक सीरीज में लगा देता हूँ चेक करवाने के लिए ये देखें फाइन ऑन हो गया इसका फाइन चल रहा है अब इसका हीटर भी वर्क कर रहा है फाइन भी वर्क कर रहा है ठीक है अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कमेंट्स करें शेयर करें और बात